कुछ गुना ऐसे होते हैं लोग जो फ्री के मोल लेते हैं और करते भी नहीं, और गुना उनका लिखा जाता रहता है। अब वो सुनो, अब वो मेरी बात सुनो आप। मिसाल के तौर पर आपने अपने मोबाइल में गाने की कॉलर ट्यून लगा ली, होती है, हैं? जब किसी को फोन लगा रहे, इधर तो फोन लगाया कि बात होगी, उधर से आ रहा मेरे महबूब कयामत होगी, हैं? बात हकीकत है, तो बेशक कयामत ही होगी। हाँ सुना तो रहा कयामत होगी, मगर होगी कयामत ही तेरे लिए। जितनों को सुना रहा उनका गुना भी तुझे, तू इस पर लगाया पड़ा गुना को 30 रुपए अलग दे रहा महीने के। वो कह रही हो उसमें कि अगर ये कॉलर ट्यून अच्छी लगी है तो 5 नंबर दबाइए और कॉलर ट्यून लगाइए। अरे भाई क्यों दबाए 5 नंबर, 30 रुपया दूं तुझे हैं और उसके बाद मैं कयामत करूं अपनी? मुझे बताइए आप, मैं अपनी कयामत करूं फ्री में? तो मेरे भाइयों, अगर धोखे से भी कॉलर ट्यून गाने वाली लग जाए तो किसी से बात मत करो, सबसे पहले कंपनी वाले से बात करो, पहले इसे हटा, सबसे पहले इसे हटा। यार मेरी अच्छा एक बात बताओ यार, गुनाहगार तो चलो सब हैं, हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन कुछ लोग यार बड़े नेक भी होते हैं, है ना? वाकई वो नेक होते हैं। अब वो भी तुझे किसी काम से फोन लगा रहा, तू उसे भी गाना सुना रहा। कोई मुफ्ती तुझे फोन लगा रहा, तू उसे भी गाना सुना रहा। मस्जिद का इमाम गाना अगर लगा रहा फोन कि भैया दावत भेज दो, खाना भेज दो, तो पहले गाना सुना रहा उसे। अगर इमाम बेचारा कहीं गाना सुनने लगा तो फतवा ले आएगा कि हजरत इमाम गाने सुनता नमाज होगी कि नहीं होगी, तू जो सुना रहा। अरे भाई बात है कि नहीं है? अगर इमाम गाना सुन ले तो फतवा लाएगा और तू जो सुना रहा, तो फिर ये बताइए गलत है कि नहीं है? ओ नौजवानों, मोबाइल की कॉलर ट्यून को बदल दो, अपनी ट्यून को भी बदल दो। कुछ ही तो मोबाइल की कॉलर ट्यून भी ठीक नहीं है और अपनी ट्यून भी ठीक नहीं है।